स्वागत है। यूपी के उन्नाव जिले का चर्चित केस रेप केस शायद सबके जहन में बसा हुआ है। टीवी समाचार, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप इस समाचार से भरे हुए हैं। उन्नाव जिला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में बसा एक गांव, जहां की लड़की ने अपने इलाके के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। ये घटना पिछले एक साल पुरानी है। जब से विधायक के ऊपर आरोप लगा है, पीड़ित परिवार थाना में जाकर के विधायक के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए थाना के चक्कर काट रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल से अगर एफआईआर लिखी भी गई है तो उसमें से विधायक के भाई का नाम नहीं जोड़ा गया है। माना जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार विधायक रह चुके हैं और ये अपने इलाके में गुंडई और दबंगई के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत ही मशक्कत के बाद जब एफआईआर लिख जाती है इस केस में, तब भी पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार के ऊपर केस करने की धमकी देता है और लड़की के पिता को उल्टा जेल में डाल देता है। उसके साथ में पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, बहुत मारपीट करती है और लड़की के बाप की मौत जेल के अंदर हो जाती है। लड़की ने आरोप लगाया है कि जो मारपीट हुई है, जो टॉर्चर किया गया है उसके बाप को और बाप की जो मौत हो गई है, इसमें विधायक और पुलिस प्रशासन सबका हाथ है उसके पिता को मारने के लिए। और शायद इसलिए मारा गया है कि जो साक्ष्य है वो छुपाया जा सके और मारे डर के लड़की समझौता कर ले। लेकिन वो लड़की समझौता नहीं करना चाहती है, उसने आगे लड़ाई लड़ने के लिए ऐलान करी है और कही है। लेकिन ये मामला जब मीडिया में आया और जब उसके वीडियो वायरल हुए तो धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। जेल के अंदर, थाने के अंदर और अस्पताल में जो लड़की के बाप को टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया है, वो फुटेज सीसीटीवी कैमरे से निकाल करके आजकल दिखाए जा रहे हैं, जिससे साफ मामला आप देख सकते हैं कि कितना गंभीर और घिनौना मामला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मौजूदा सरकार एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लोगों को ज्ञान सिखा रही है, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता मंत्री और विधायक के हाथ खूनों से रंगे हैं, तो आप दूसरों को और आम जनता को नसीहत क्यों दे रहे हैं? और एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी गंभीर घटना में इतनी देर से एफआईआर क्यों हुई है? इसमें कार्रवाई एक साल पहले हो जानी चाहिए, तो सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? और इतनी बुरी स्थिति जो हम महिलाओं लड़कियों के ऊपर पैदा हो रही है, ये क्यों है? और अगर कोई नेता मंत्री के ऊपर रेप जैसे केस का आरोप लगता है तो पूरा सरकारी तंत्र प्रशासन एक तरह से अपना रातों दिन एक आप लोग कर रहे हो एक विधायक को बचाने के लिए, उसकी सजा को माफ कराने के लिए। तो बांदा का बहुत चर्चित केस आज फिर से मेरे दिमाग में ताजा हो गया है। 2010 में बसपा के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के ऊपर बांदा की एक लड़की, जिसका आज मैं नाम ले रही हूँ सीलू, उसने विधायक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। सीलू विधायक के घर में काम कर रही थी, अपने पेट रोटी के जुगाड़ के लिए गई थी, लेकिन विधायक ने उसके ऊपर रेप किया। जब सीलू अपनी जान बचा करके भागने लगी और वो भाग करके विधायक के मकान में, जो एक महिला किराए से रहती थी, उसके रूम में छुप गई। खून से लथपथ सीलू ने अपने कपड़े वहां पर बदले और अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश की, लेकिन विधायक ने अपना पूरा दम लगा दिया कि उसकी पोल ना खुले। उसने
थाने में जाकर के सीलू के खिलाफ उल्टा केस दर्ज कराया और कहा कि सीलू उसके घर से एक मोबाइल और पैसे और कपड़े चुरा करके भाग रही थी। पुलिस को सीलू की मदद करने की बजाय पुलिस ने उल्टा सीलू के खिलाफ चोरी का मुकदमा लिख करके और उसको पकड़ करके जेल में भेज दिया। तो सीलू जब जेल में थी और जब कार्रवाई शुरू हुई, ये बात मीडिया के सामने आई और जब सीलू के बयान हुए तो सीलू ने पूरे मामला को पुलिस के सामने बताया। रेप का मामला सामने ना आए इसके लिए उस समय सरकारी तंत्र, जिस समय आज उन्नाव में सरकारी तंत्र विधायक को बचाने में लगा है, सेम इसी तरह से 2010 में पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को बचाने के लिए पूरी सरकार ने अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन सीलू ने अपना बयान नहीं बदला है। और जब ये घटना जांच में सही निकली, कुछ विपक्ष की पार्टियों ने आवाज उठाई, कुछ संस्थाओं ने और मीडिया ने जब इस मामला को उछाला, तब जाकर के सीबीआई जांच बैठा ली गई और सीलू को उसका न्याय मिला। पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को 10 साल की जेल हुई है। आज पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जेल पर हैं और सीलू को सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। सीलू अपने गांव में है लेकिन आज भी वो सुकून में नहीं है। आज भी उनको धमकियां मिलती हैं, कई बार सीलू के ऊपर दबाव आता है कि वो केस वापस ले ले, समझौते कर ले, या तो जब जेल से बाहर विधायक निकलेंगे तो सीलू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं सीलू को और उन्नाव केस की जो लड़की है, मैं इन दोनों को सलाम करती हूँ। मैं इन दोनों की बहादुरी को सलाम करती हूँ कि अगर हमारे साथ में अन्याय होता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, हमको दबना नहीं है, हमको इन केसों के खिलाफ आवाज उठानी है, लड़ाई लड़नी है। तो जब भी इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं, रेप जैसे के मामला होते हैं, और जब सत्ताधारी पार्टी या सरकारी व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, तो इनको बचाने के लिए यही कानून, यही सरकार और यही नेता मंत्री जो पूरी दुनिया को सीख देते, पूरी दुनिया का जो रक्षक बने बैठे हैं, यही इन अपराधियों को, इन आरोपियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे, अगर आप महिलाओं का साथ नहीं देंगे, तो हम किससे मदद की उम्मीद करें। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप जरूर से इस केस में जुड़े, इस मुद्दे के चर्चा में जुड़े और अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे। तो अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।